Hello and welcome everyone to this course on biomechanics. My name is Dr. Vidhi Kalyani and I'm a musculoskeletal physiotherapist. Together we will walk through this course. ये कोर्स को हमने अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है सो प्लीज मेक श्योर कि आप हर चैप्टर को सीक्वेंस के हिसाब से देखें सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू. ऑल्सो बी श्योर टू चेक आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द गिवन रेफरेंसेज. सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे. ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो आगे जाके जब हमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, द फोर्सेस दैट कंट्रोल और प्रोड्यूस मूवमेंट इन आवर बॉडी, इनको एग्जामिन करना है तब जाके काम आएंगे. ओके सो नाउ लेट अस बिगिन विद आवर इंट्रोडक्शन कोर्स फर्स्ट विद द बेसिक्स. सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन दोनों के बीच में एक लिंक होता है. ये लिंक को हम बायोमैकेनिक्स बोलते हैं. बायोमैकेनिक्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स हियर डील्स विथ मोशन. इफ यू वॉन्ट अ इजी वे टू रिमेंबर देन हियर इट इज. काइनेमैटिक्स में वी गेट एम, सो एम फॉर मोशन. एंड काइनेटिक्स डील्स विथ फोर्सेस. विच फोर्सेस? द फोर्सेस दैट प्रोड्यूस दिस मोशन. नाउ वी विल स्टडी ईच ऑफ दीज काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल. सो काइनेमैटिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, या फिर इसको हम टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. ऑलराइट, सो टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास तीन टाइप्स है. सबसे पहले आता है ट्रांसलेटरी. ट्रांसलेटरी मतलब जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, स्ट्रेट लाइन में जो मूवमेंट होती है उसको हम लीनियर या फिर ट्रांसलेटरी बोलते हैं. नेक्स्ट आता है रोटेटरी. रोटेटरी मतलब जो एंगुलर मूवमेंट या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम रोटेटरी बोलते हैं. एंड लास्ट आता है हमारा कर्वी लीनियर. कर्वी लीनियर मतलब जो ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी का एडिशन है, दोनों का मिला के जो मूवमेंट मिलेगा वो है कर्वी लीनियर. ये हो गया हमारा तीन टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट वी विल सी लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हमें एक्सिस एंड प्लेन जानना जरूरी है. हमारे बॉडी में तीन कार्डिनल एक्सिस और तीन कार्डिनल प्लेन्स होते हैं, सो वो हम देखेंगे. सो अब हम देखेंगे हमारे बॉडी के तीन कार्डिनल एक्सिस. सबसे पहले आता है एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को हम कोरोनल या फिर फ्रंटल एक्सिस भी बोलते हैं. ये साइड टू साइड जाता है, बॉडी के एक साइड से दूसरी साइड की तरफ. ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस. नेक्स्ट हम देखेंगे वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस टॉप टू बॉटम जाता है, ऊपर से नीचे. इसको वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं. एंड लास्टली आता है हमारा जेड एक्सिस. सो जेड एक्सिस को हम एंटेरो पोस्टीरियर या सजाइटल एक्सिस बोलते हैं और ये आगे से पीछे जाता है, फ्रंट टू बैक. सो एक्स हो गया कोरोनल, वाई हो गया वर्टिकल एंड जेड हो गया सजाइटल. नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी के तीन कार्डिनल प्लेन्स. So, सबसे पहले है हमारा कोरोनल या फिर फ्रंटल प्लेन. जैसे एक्स एक्सिस साइड टू साइड जा रहा था, वैसे ही सेम डायरेक्शन में ये कोरोनल प्लेन भी साइड टू साइड जा रहा है. एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द सजाइटल एक्सिस. नेक्स्ट आता है ट्रांसलेटरी प्लेन. ये बॉडी को अपर हाफ एंड लोअर हाफ ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऊपर और नीचे. एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस. एंड लास्टली है सजाइटल प्लेन. जैसे जेड एक्सिस आगे से पीछे जा रहा था, वैसे ही सजाइटल प्लेन भी आगे से पीछे जा रहा है. ये बॉडी को राइट एंड लेफ्ट ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करता है.
एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू आर कोरोनल एक्सिस. ये हो गए हमारे तीनों कार्डिनल एक्सिस एंड तीनों कार्डिनल प्लेन्स. सो अब हमने टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट देख लिया, लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देख लिया. नेक्स्ट वी सी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है कि मैं कौन सी मूवमेंट कर रही हूँ, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, इनमें से मैं क्या कर रही हूँ ये मुझे डिस्क्राइब करना है. साथ ही साथ ये मूवमेंट मैं कौन से एक्सिस और कौन से प्लेन में कर रही हूँ ये भी मुझे बोलना पड़ेगा. सो नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक फ्लेक्शन एक्सटेंशन, सो फ्लेक्शन एक्सटेंशन इज ऑलवेज डन इन अ सजाइटल प्लेन and the axis will be the one that is perpendicular, that is coronal axis, coronal or frontal axis. Flexion extension is always in sagittal plane and coronal axis. Same way we take abduction adduction, abduction adduction is always in a coronal plane and perpendicular one, that is sagittal axis. And lastly, rotations, internal external rotations are always done in a translatory plane and a vertical axis. So, ये हो गए हमारे axis and planes according to our movement. So, हमने magnitude describe कर लिया. Next, we move on to rate of displacement. रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है कि मैं जो movement कर रही हूँ वो कितना कर रही हूँ, how many degrees, 10 डिग्री फ्लेक्शन, 30 डिग्री एक्सटेंशन, 40 डिग्री अबडक्शन, कितना कर रही हूँ. आई हैव टू क्वांटिफाई इट इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज. सो दैट इज माय रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और मोशन. एंड लास्टली वी कम टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज ऑप्शंस. मेरे पास कोई भी जॉइंट को मूव करने के लिए कितने ऑप्शंस है. सो फॉर एग्जाम्पल आई टेक द शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट में मैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, ये सारी चीजें कर सकती हूँ. वी वॉन्ट कैलकुलेट सर्कमडक्शन योर बिकॉज सर्कमडक्शन इज बेसिकली वॉट अ मूव कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स. सो उसको हम काउंट नहीं करेंगे. फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑपोजिट डिरेक्शंस में होते हैं, सो दैट इज काउंटेड एज वन, सो वन डिग्री ऑफ फ्रीडम. अबडक्शन अडक्शन आर अगेन इन द ऑपोजिट डिरेक्शन टू ईच अदर, सो दैट इज काउंटेड एज सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. एंड लास्टली इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, दैट इज माई थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो बेसिकली द शोल्डर जॉइंट हैज थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. फाइन, सो हियर वी आर डन विथ आर काइनेमैटिक्स. नेक्स्ट वी मूव टू आर काइनेटिक्स. सो firstly, we will describe types of forces. Types of forces में सबसे पहला और सबसे important होता है हमारा force of gravity. Force of gravity को समझने के लिए हमें तीन aspects समझना जरूरी है, COG, BOS और LOG. So now let us understand what is this. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास क्या है? बॉडी का या ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहां पे उसका मास सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं. सो इन दिस डायग्राम ए हमारे पास एक बॉल दिया गया है. सो ये बॉल का जो सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास है. ये सेंटर पे ही बॉल का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है. पिक्चर बी में हमारे पास एक बेसबॉल बैट है. सो बेसबॉल बैट एक इरेग्युलर ऑब्जेक्ट है. सर्कल जो बॉल था हमारा उसकी तरह रेगुलर नहीं है, उसका मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ये एक इरेग्युलर ऑब्जेक्ट है. सो अगर इसको मैं हाफ में डिवाइड करूं तो उसका सेंटर अप्रोक्सीमेटली कुछ यहां पे आएगा, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास इज लिटिल बिट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, जो कि लिटिल बिट वाइडर साइड है बैट की, वहां पे है उसका सेंटर ऑफ मास. इट इज नॉट इन द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द बैट. एंड पिक्चर सी में हमारे पास एक क्रच है, बैसाखी है. सो इसका सेंटर ऑफ मास फिर से अगर हम देखें तो हाफ हाफ जो डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली यहां पे आता है उसका मेन सेंटर, लेकिन सी सेंटर ऑफ मास इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड.
क्योंकि उसका मास अपर साइड पे ऊपर की बाजू ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरा बॉडी का मास वहां पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, इसलिए उसका सेंटर ऑफ मास इधर है। एंड इट इज नॉट इनसाइड द क्रच, इट इज आउटसाइड द क्रच, बिटवीन द टू हैंडल्स, ये दोनों हैंडल्स के बीच में है। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा। सो वो कहाँ होगा? जहां पे सेंटर ऑफ मास रहेगा। सो COM इज द COG ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की बात हो गई। नाउ लेट अस सी अबाउट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है ऑन द S2 वर्टेब्रा। और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो स्लाइटीरियर टू द S2 वर्टेब्रा, S2 वर्टेब्रा से थोड़ा आगे। ये उसका होता है सेंटर ऑफ मास, COM। तो उसका COG भी वही पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज LOG। LOG इज लाइन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स किस लाइन में कैसे एक्ट करेगा, दैट इज LOG। सो LOG ऑलवेज एक्ट थ्रू द COG, COG के थ्रू पास होता है हमेशा। और वो जैसे जैसे हमारा पोजीशन चेंज होता है, मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, चल रही हूँ, जैसे मेरी पोजीशन चेंज होती जाती है, वैसे ही LOG हर एक जॉइंट के हिसाब से चेंज हो जाता है। कभी वो जॉइंट के एंटीरियर फॉल करता है, कभी पोस्टीरियर फॉल करता है, वैसे। तो यहाँ पे इन द एनेटॉमिकल पोजिशन द LOG इज पासिंग थ्रू द COG। नेक्स्ट वी विल सी बेस ऑफ सपोर्ट, BOS। सो BOS इज दैट सरफेस इन विच ऑन विच द बॉडी इज सपोर्टेड। सो इन द एनेटॉमिकल पोजिशन, एनेटॉमिकल पोजिशन इज वेन यू आर स्टैंडिंग विथ योर पाम्स फेस फॉरवर्ड। वो पोजिशन में आपके फीट का जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा अंडरलाइन सरफेस है, ये आपका बेस ऑफ सपोर्ट हो जाता है। सेम वे अगर अब हम सुपाइन लाइन देखे, मैं लेट गई हूं, सीधी लेट गई हूं सुपाइन लाइन पोजिशन में, तो मेरा BOS चेंज हो जाएगा। क्या होगा? फ्रॉम माई हेड टू माई टोज, वहां तक का जो पूरा एरिया मेरे बॉडी के नीचे है, वो पूरा मेरा बेस ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। बेस ऑफ सपोर्ट जितना बड़ा रहेगा उतना आपका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। सो सुपाइन लाइन में मैक्सिमम सपोर्ट है मेरे पास, सबसे ज्यादा सरफेस है मेरे बॉडी के नीचे, तो दैट इज द मोस्ट स्टेबल पोजिशन। अब हम ये पिक्चर देखते हैं। दिस पिक्चर इज ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर। ये प्लेयर हवा में किक कर रहा है। सो उसने हवा में किक कर रहा है, ये जो पैर है उसका वो हवा में है, दूसरा पैर ग्राउंड को टच है, लेकिन पूरा टच भी नहीं है, सिर्फ उसके टोज ग्राउंड को टच है, ठीक है। तो अब उसका बेस ऑफ सपोर्ट क्या होगा? ये पार्ट, जो टोज के नीचे जो इतना पार्ट आ रहा है, वो सिर्फ इतना सा पार्ट उसका बेस ऑफ सपोर्ट बन जाएगा। इधर बेस ऑफ सपोर्ट जैसे चेंज हो सकता है, वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG वो भी चेंज हो जाएगा। अभी हमें इसका COG कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये पैर जो ग्राउंड को टच हो रहा है उसका सेंटर दैट इज A, जो हवा में है उसका सेंटर दैट इज B, एंड जो उसका अपर बॉडी है उसका सेंटर दैट इज C। इन तीनों का सेंटर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वी गेट ABC। ये उसका हो गया नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो यहीं से पास करेगी नीचे की तरफ। सो हम देख सकते हैं कि COG और LOG दोनों उसके बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर है, BOS के बाहर है। तो ये यहाँ पे याद रखना जरूरी है कि जब भी COG और LOG बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर फॉल करेंगे, तब पोजिशन अनस्टेबल होगी। जो ये प्लेयर है वो ज्यादा देर के लिए ये पोजीशन में नहीं रह सकता। दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल पोजीशन फॉर दिस प्लेयर। सेम वे अगर हम नेक्स्ट पिक्चर में देखें, तो यहां पे ये जो उसका दूसरा पैर हवे में था, अब वो वॉल को टच हो गया। ये एक वॉल है, वो उसको टच हो गया, फिर से उनका बेस ऑफ सपोर्ट चेंज हो जाएगा। नाउ द बेस ऑफ सपोर्ट विल बी फ्रॉम द टोज टू द वॉल। ये पूरा एरिया जो है वो ये प्लेयर का बेस ऑफ सपोर्ट बन गया। सो नाउ द COG दैट वॉज ABC एंड द LOG फॉल्स इनसाइड द बेस ऑफ सपोर्ट। COG और LOG दोनों बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है।
सो देयरफॉर दिस बिकम्स अ स्टेबल पोजिशन, ये स्टेबल हो सकता है यहां पे. नेक्स्ट, ये एक पंचिंग बैग है, इसको आप कोई भी डायरेक्शन से कहां से भी पुश करो वो गिरता नहीं है, उसकी पोजीशन चेंज होती है एंड देन इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन वो गिरता नहीं है. क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि इसका जो कोई भी पोजीशन में 1, 2 या 3 कोई भी पोजीशन में इसका हम अगर सीओजी देखे, सो इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द सरफेस, टू द बेस ऑफ सपोर्ट, बेस ऑफ सपोर्ट के बहुत करीब है. यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जब जब ये सीओजी जो यहाँ पे G1, G2, G3 दिया हुआ है, जब भी ये सीओजी बेस ऑफ सपोर्ट के करीब रहेगा तब पोजीशन स्टेबल रहेगी, पोजीशन उतनी ही ज्यादा स्टेबल रहेगी. अभी बेस ऑफ सपोर्ट के करीब हो गया सीओजी, एलओजी कहाँ जाएगा? एलओजी सीओजी से ही पास होता है, तो सीओजी से बेस की तरफ जाएगा. अगर ऊपर होता तो एलओजी इधर से स्टार्ट होता और सीधा नीचे तक जाता, लेकिन अभी बहुत नीचे आ गया है सीओजी, तो एलओजी भी उतना ही छोटा हो गया है, उतनी ही छोटी लाइन बनेगी. दूसरी बात याद रखने के लिए ये है कि जब भी एलओजी छोटा रहेगा, वेन एवर द लाइन ऑफ ग्रेविटी इज स्मॉलर, स्टेबिलिटी इज मोर. तो हमने तीन चीजें देखी, जितना बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा, मोर बेस मोर स्टेबिलिटी, जितना सीओजी बेस के करीब उतना स्टेबिलिटी ज्यादा, क्लोजर द सीओजी टू द सरफेस मोर स्टेबिलिटी, जितना एलओजी छोटा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा, स्मॉलर द एलओजी मोर द स्टेबिलिटी. नेक्स्ट हम ये पेशेंट को देखते हैं, ये पेशेंट बैसाखियों पे है, एक पैर ग्राउंड को टच हो रहा है, उसको हम वेट बेरिंग लेग या फिर गुड लेग बोलेंगे, दूसरा पैर हवे में है, उसको नॉन वेट बेरिंग लेग या फिर बैड लेग बोलेंगे, ये जो प्लास्टर वाला है. तो अब उसका बीओएस फिर से चेंज हो जाएगा, ये पेशेंट का बीओएस, नया बीओएस क्या बनेगा? जो पैर सरफेस को टच हो रहा है वो, और जो दोनों बैसाखियों के बीच का जो एरिया है, ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पेशेंट का बेस ऑफ सपोर्ट बन गया. अभी बेस ऑफ सपोर्ट चेंज हो गया, सीओजी भी चेंज हो जाएगा क्योंकि एक पैर हवे में हो गया है. सीओजी विल शिफ्ट अ लिटिल बिट डाउनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द नॉन वेट बेरिंग और द बैड लेग, बैड लेग की तरफ थोड़ा और नीचे की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा सीओजी. सीओजी नीचे शिफ्ट हो गया, एलओजी भी उसके थ्रू पास होगा, वो भी शिफ्ट हो जाएगा, एलओजी उतनी छोटी हो जाएगी. सो बेस बड़ा हो गया, सीओजी नीचे आ गया, एलओजी नीचे आ गया, सो बेसिकली ये पोजीशन स्टेबल हो गई, पेशेंट ये पोजीशन टॉलरेट कर सकता है, खड़ा रह सकता है. नेक्स्ट हम ये पिक्चर देखेंगे जहां पे ये आदमी ने बहुत भारी सामान उठा रखा है अपने कंधों पे, तो अभी उसका सीओजी चेंज हो जाएगा फिर से. इस बार सीओजी सामान का और बॉडी का दोनों का मिला के कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो कुछ यहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल बी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जिस कंधे पे सामान है उस कंधे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. अभी सिंस सीओजी ऊपर चला गया है, एलओजी भी वहीं से पास होगा, तो एलओजी भी ऊपर जाएगा, लाइन उतनी ही बड़ी हो जाएगी. हमने क्या कहा था? लाइन छोटी होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सीओजी नीचे होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ये उसका टोटल ऑपोजिट हो गया. तो इसीलिए अभी ये पोजीशन स्टेबल नहीं है, ये आदमी ज्यादा देर के लिए ऐसे नहीं खड़ा रह सकता, और इसीलिए अगर वो ऐसे ही खड़ा रहा तो वो गिर जाएगा. अभी ना गिरने के लिए, ना गिरने से बचने के लिए वो थोड़ा दूसरी तरफ झुकता है, ये देखिए आप, वो इस तरफ थोड़ा झुका हुआ है, दूसरी कंधे की तरफ थोड़ा झुकता है, वो झुकेगा तो उस हिसाब से उसका बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ेगा, इसीलिए वो खुद को स्टेबल करने के लिए झुक रहा है. ऑलराइट, सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहला हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी देख लिया, उसमें सीओजी बीओएस एंड एलओजी देख लिया. नाउ वी सी
टेंसाइल फोर्सेस। सो टेंसाइल फोर्सेस जो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि वो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। सो नाउ ये आप ऑब्जेक्ट ले लें, इसमें ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा फोर्स दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। सो द फोर्स, देर आर टू फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द सेम सरफेस। सो यहां पे ये सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स है सब पॉइंट्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ टेंशन क्रिएट होगा। सो दिस इज टेंसाइल फोर्स। नेक्स्ट वी गो टू डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन नाम से पता चल रहा है कि वो सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, जॉइंट को जुदा कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके एक पॉइंट पे ये फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, दूसरे पॉइंट पे ये फोर्स यहां एक्ट कर रहा है। सो सेम वे नाउ वी हैव टू फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। सो देयरफॉर दिस विल क्रिएट डिस्ट्रैक्शन, जॉइंट को अलग करेंगे, जुदा करेंगे। नेक्स्ट वी गो टू कंप्रेशन। ओके, सो कंप्रेशन नाम से पता चल रहा है कि जॉइंट को जोड़ रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। सो सेम वे नाउ ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने फिर से, ये एक फोर्स हो गया हमारा, ये दूसरा फोर्स हो गया। सो फिर से देर आर टू फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स टूवर्ड्स द सर्फेस, टूवर्ड्स द सर्फेस काम कर रहे थे। डिस्ट्रैक्शन जो है वो अगेन अवे फ्रॉम द सर्फेस काम कर रहा था, ये कंप्रेशन टूवर्ड्स द सर्फेस काम कर रहा है। सो देयरफॉर नाउ दिस विल क्रिएट कंप्रेशन फोर्स, जॉइंट को जोड़ेगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू शियर एंड फ्रिक्शन। शियर एंड फ्रिक्शन, सो इसमें ये ऑब्जेक्ट है, शियर फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के पैरेलल काम करेगा, पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट। और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा शियर के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, टेंसाइल और शियर फ्रिक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। टेंसाइल जो है वो एक ही सरफेस पे काम कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, शियर फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट सरफेसेस पे काम कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट काइनेमैटिक्स के अंदर अब हम टॉर्क स्टडी करेंगे। काइनेमैटिक्स के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं टॉर्क। ऑलराइट, सो टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज टॉर्क? कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे जब दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सो ये जो दो फोर्सेस है वो एक फोर्स कपल बनाते हैं, एंड सिंस वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एक रोटेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे। सो ये जो रोटेटरी मूवमेंट का स्ट्रेंथ है उसको टॉर्क बोलते हैं। ऑलराइट, टॉर्क इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रोटेटरी मूवमेंट मेड बाय द फोर्स कपल। दिस इज द फोर्स कपल, ये दोनों फोर्सेस वो एक फोर्स कपल बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स द मोमेंटम। सो व्हाट इज द मोमेंटम? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस दैट प्रोड्यूस टॉर्क। सो ये जो फोर्स कपल है जो एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज मोमेंट आर्म। ऑलराइट, नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवर्स। लीवर्स इज एनी
रिजिड सेगमेंट दैट मूव्स अराउंड अ फल्क्रम. फल्क्रम क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट. एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो एक रिजिड सेगमेंट मूव करता है दैट इज अ लीवर. लीवर में वी हैव थ्री क्लासेस, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास ऑफ लीवर. सो नाउ वी विल कंसिडर दिस एंड दिस इन द सेंटर इज एफ. एफ मतलब फलक्रम. एक साइड पे है हमारा एफर्ट. एफर्ट मतलब जो हमारे मसल्स जो फोर्स प्रोड्यूस करेंगे दैट इज द एफर्ट फोर्स. जो मसल है वो हमारा एफर्ट प्रोड्यूस कर रहा है सो हम इसको ई लिख रहे हैं एफर्ट. एंड दूसरी साइड पे जो वेट होगा लीवर का वेट या फिर जो वेट बॉडी कैरी कर रहा है वो. ऑलराइट, सेंटर में है फल्क्रम, एक साइड पे है एफर्ट एंड दूसरे साइड पे है वेट. अभी फल्क्रम और एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एफर्ट आर्म बोलते हैं, ईए, एफर्ट आर्म. एंड फल्क्रम एंड वेट का जो डिस्टेंस होता है उसको वेट आर्म बोलते हैं, डब्ल्यू ए. ऑलराइट, अभी फर्स्ट क्लास लीवर. फर्स्ट क्लास लीवर इसमें क्या होता है? फल्क्रम हमेशा सेंटर में होता है. फल्क्रम इज ऑलवेज इन द सेंटर, जो कि हमारा ये डायग्राम में है. दिस इज द फर्स्ट क्लास लीवर डायग्राम. सेकेंड क्लास लीवर में क्या होता है? वेट हमेशा सेंटर में होता है. सो ये मैं लीवर ड्रॉ कर रही हूं. सेंटर में वेट, एक साइड पे फल्क्रम, एक साइड पे एफर्ट. ये हो गया सेकेंड क्लास लीवर का डायग्राम. तो इसमें वेट आर्म और एफर्ट आर्म क्या होगा? फल्क्रम और वेट का जो डिस्टेंस है वो हो गया वेट आर्म, और फल्क्रम और एफर्ट का जो डिस्टेंस है वो हो गया एफर्ट आर्म. ओके, ये हो गया सेकेंड क्लास लीवर. और थर्ड क्लास लीवर क्या होता है? जिसमें एफर्ट सेंटर में रहेगा. सेंटर में आ गया एफर्ट, एक साइड पे चला गया वेट, दूसरे साइड पे चला गया फल्क्रम. फल्क्रम और एफर्ट के बीच का डिस्टेंस हो गया एफर्ट आर्म, फल्क्रम और वेट का डिस्टेंस हो गया वेट आर्म. ऑलराइट, फर्स्ट क्लास लीवर फल्क्रम इज इन द सेंटर, सेकेंड क्लास लीवर वेट इज इन द सेंटर, थर्ड क्लास लीवर एफर्ट इज इन द सेंटर. ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज, एम ए. सो ये लीवर्स का मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है, मतलब कि कब लीवर फायदे में रहेगा और कब नुकसान. तो मैकेनिकल एडवांटेज इज कैलकुलेटेड बाय एफर्ट आर्म अपॉन वेट आर्म. मैकेनिकल एडवांटेज इज कैलकुलेटेड बाय एफर्ट आर्म अपॉन वेट आर्म. ठीक है, इसको हम, ये जो इक्वेशन है इसको हम वेट अपॉन एफर्ट भी लिख सकते हैं. अगर उसको डिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखना है तो एफर्ट आर्म, एफर्ट डिस्टेंस जो होता है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और नीचे आएगा वेट का डिस्टेंस, वेट आर्म. लेकिन अगर उसको वेट और एफर्ट के टर्म्स में लिखना है तो वेट अपॉन एफर्ट हो जाएगा उल्टा. ऑलराइट, अभी फर्स्ट क्लास लीवर जो है उसमें फल्क्रम सेंटर में है, लेकिन हमको ये नहीं बोला है कि वो फल्क्रम एकदम सेंटर में ही है, राइट एट द मिड पॉइंट, ऐसा नहीं बोला है. फल्क्रम कहीं पे भी हो सकता है, थोड़ा एफर्ट के साइड पे हो सकता है या थोड़ा वेट के साइड पे हो सकता है. सो अगर वो एफर्ट के साइड पे चला गया, यहां पे आ गया, तो एफर्ट आर्म वो है, जो है वो इतना ही हो जाएगा. और अगर वेट के साइड पे चला गया तो वेट आर्म छोटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा. एफर्ट के साइड पे चला गया तो एफर्ट आर्म छोटा हो जाएगा, वेट आर्म जो है बड़ा हो जाएगा. और अगर वेट के साइड पे चला गया तो उसका टोटल ऑपोजिट हो जाएगा, वेट आर्म छोटा हो जाएगा और एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा. सो यहां पे हमें याद ये रखना है कि जब भी एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन वेट आर्म, जब भी एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन वेट आर्म, देन दिस इक्वेशन will be greater than 1.
जब भी एफर्ट आर्म वेट आर्म से बड़ा होगा तो ये इक्वेशन विल बी ग्रेटर देन वन. सो ये ग्रेटर देन वन कब हो सकता है? अगर ये फलक्रम वेट के साइड पे चला गया, मतलब वेट आर्म छोटा हो गया, तो यहां पे ऑटोमेटिकली एफर्ट आर्म बड़ा हो सकता है, तो वो इक्वेशन विल बी मोर देन वन. देन मोर देन वन मतलब इट इज इन अ मैकेनिकल एडवांटेज. सेम वे अगर यहां पे सेकेंड ऑर्डर लीवर में तो हमें पता ही है कि हमेशा वेट आर्म विल बी मोर देन द सॉरी एफर्ट आर्म विल बी मोर देन द वेट आर्म, ये हमें पता है. सो सेकेंड ऑर्डर लीवर विल ऑलवेज बी इन अ मैकेनिकल एडवांटेज. बट अगर हम थर्ड ऑर्डर लीवर में देखें तो एफर्ट बीच में है, सो इट इज एफर्ट आर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द वेट आर्म. सो थर्ड ऑर्डर लीवर का इक्वेशन हमेशा लेस देन वन रहेगा. सो इट विल बी इन अ मैकेनिकल डिसएडवांटेज. मैकेनिकल डिसएडवांटेज, वो हमेशा मैकेनिकल डिसएडवांटेज में ही रहेगा थर्ड ऑर्डर लीवर. सेम वे अगर यहां पे फर्स्ट ऑर्डर लीवर में फलक्रम एफर्ट के थोड़ा पास चला गया तो वेट आर्म बड़ा हो जाएगा. सो ये भी डिसएडवांटेज में चला जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में इट डिपेंड्स कि फलक्रम कहां पे है एग्जैक्टली, बट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर में सेकेंड ऑर्डर इज ऑलवेज इन एन एडवांटेज एंड थर्ड ऑर्डर इज ऑलवेज इन अ डिसएडवांटेज. अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं इन द ह्यूमन बॉडी. सो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में एग्जाम्पल दे सकते हैं नॉडिंग मूवमेंट. नॉडिंग मूवमेंट में वेर द एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट इज अवर फलक्रम, द वेट ऑफ द स्कल इज द वेट and the neck extensor muscles are providing the effort arm. So that is an example of the first order lever. Second order lever ka example kya ho sakta hai? Toe standing jisme metatarsophalangeal joint is the fulcrum. The effort is provided by the calf muscles and the ankle joint, there is the weight. So that is an example of the second order lever. And third order lever जो कि maximum है, हमारे body में maximum third order levers पाए जाते हैं, उसका example हो सकता है when you are doing the brachialis action, the elbow joint is the fulcrum, brachialis muscle is providing the effort and the हाथ में आपके hand में जो भी weight रहेगा या फिर जो overall hand का weight है उसको weight देगा वो. So these are the three classes of levers. Now finally we come to what is known as force components. So कोई भी लीवर पे जब फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट करेगा तब वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहेगा. फोर्स अगर 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है तब वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहेगा. अभी कोई भी फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है परपेंडिकुलर या फिर रोटेटरी भी बोलते हैं उसको. परपेंडिकुलर रोटेटरी और उसको डिनोट करते हैं FY से. कोई भी फोर्स लीवर पे कोई भी फोर्स अगर एक्ट कर रहा है कहीं से भी तो उसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है. सबसे पहला है परपेंडिकुलर या फिर रोटेटरी या फिर FY बोलते हैं उसको, FY से डिनोट करते हैं ये कंपोनेंट. नेक्स्ट है पैरेलल या फिर ट्रांसलेटरी और इसको डिनोट करते हैं FX से. Alright, and the thing to be noted is FX, most of the cases में FX का जो component है वो FY से बड़ा रहता है. The parallel component is greater than the perpendicular component. और ये parallel component जो है वो ही joints की जो stability का function है उसमें help करता है. Parallel component aids the stability of the joint. Okay? So this was all about the basics in our introduction session on biomechanics.
प्लीज मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें फॉर ऑल द रेफरेंसेस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड विद अस.